यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पटाखे का शॉप है, और पूरा आप वहाँ से स्टार्ट करोगे देखना तो पूरा उस कॉर्नर तक ये शॉप है पटाखे का। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे दिया लेने इन दीदी के पास, तो दीदी लोग को भी यूट्यूब चैनल अपना बनाना है, तो वहाँ रोहित हेल्प कर रहा है और इनका यूट्यूब चैनल बनवा दे रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशीम एंड रोहित ब्लॉग, आप सभी को जोहार। तो आज हम आए हैं दिवाली का शॉपिंग करने, और अपर बाजार देखिए पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत सारे आइटम्स यहाँ। तो सबसे पहले रोहित आया है अपने ऑफिस के पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि इसके ऑफिस में भी होगा पूजा, तो ये सारा पहले से ऑर्डर दिया हुआ था। यहाँ देखिए कितने मस्त मस्त दिए के डिज़ाइन, और एक निकलेगा विनोद सवाल का, एक निकल गया और हाँ मेरा ही है, दोनों का काटो, एक ये है। बाजार के चलते पूरा अपर मार्केट देखिए, दिवाली का तैयारी पूरा रांची में जोरों शोरों से हो रहा है। तो गाइस देखो, इस लड़की को भी मैं काम करवा रहा हूँ, ये मेरे ऑफिस लेके आया। मैं दिखने में कल पतली दुबली, अंदर से बहुत दम है। कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो रोहित के ऑफिस से तो अब हम लोग निकल गए हैं, अभी मेन जो दिवाली का शॉपिंग होता है वो बाकी है। मेरा ड्राइवर तो दिवाली का मौसम के वजह से उतना जल्दी मार्केट नहीं लगा है, बल्कि पहुंच ही गया है। दो दिन बाद दिवाली है और अभी तक यहाँ देखिए तैयारियाँ पूरा जोरों शोरों पे है। तो अभी लाइट वगैरह उतना लगा नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट है। रांची का मौसम और यहाँ का बारिश, पूरा इस बार का दिवाली। वो ले रहा है करंज तेल और दिया वगैरह। ये सारा चीज़ रोहित लेके रेडी है, अब हम लोग घर निकलने के लिए। मज़ा आ रहा है शॉपिंग करने में? हाँ। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे दिया लेने इन दीदी के पास, तो दीदी लोग को भी यूट्यूब चैनल अपना बनाना है, तो वहाँ रोहित हेल्प कर रहा है और इनका यूट्यूब चैनल बनवा दे रहा है। यहाँ पर रोहित बता रहा है फेसबुक और यूट्यूब के बारे में आंटी को। तो हम लोग अभी आ गए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के जस्ट सामने। यहाँ पे बहुत सारा बम पटाखे का स्टॉल लगा हुआ है, और रोहित को चाहिए था कुछ बम, तो ये यहाँ पे देख रहा है कि है या नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पटाखे का शॉप है, और पूरा आप वहाँ से स्टार्ट करोगे देखना तो पूरा उस कॉर्नर तक ये शॉप है पटाखे का। तो बम पटाखा वैसे तो मैं जलाती नहीं हूँ, रोहित को चाहिए था क्योंकि किन्हीं को उसको देना था, कोई बोला है उनको, इसलिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ शॉप और देख रहे हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे प्राइस में। वैसे बेसिकली तो यहाँ पर सारा चीज़ होल सेल रेट पर ही मिल रहा है। ये भी घोड़ा ऐसे ही रहा, घोड़ा ही हाँ। अभी बोला ये है घोड़ा जिसको हम तो मैं तो रांची में ही देखी हूँ, उसको ये सब खेलने के काम आता है, और पहले तो नहीं देखी। और यहाँ देखिए ये ग्वालर क्या घोड़ा, घोड़ा का कितना बोले थे? 30 रुपये घोड़ा, 30 रुपये ये 30 रुपये का घोड़ा है, और ये है ग्वालन, ये 80 रुपये 80 रुपये
कैसे दे रहे भैया? 750 फॉर्म है या फिर नहीं, ये लकड़ी है। अच्छा लकड़ी का है, वाला है। हाँ तो यहाँ पे है ये लकड़ी का घरौंदा, जिसको दिवाली के दूसरे दिन यहाँ पे यूपी में तो मैं नहीं देखी थी, जब मैं यूपी में रहती थी तो ये मैं झारखंड में देख रही हूँ, जिसको दूसरे दिन शायद बच्चे लोग इससे खेलते हैं या फिर पूजा करते हैं, मुझे प्रॉपरली पता नहीं, अगर मैं गलत होंगे तो मुझे माफ़ करिएगा। तो इसको बोलते हैं घरौंदा। तो अभी हम लोग आ गए हैं लालपुर के साइड, यहाँ का सब्जी बाजार, क्योंकि बाज़ार करना है और आज है संडे, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को दिवाली के शॉपिंग के लिए जो जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, तो फिलहाल हम लोग आ गए थोड़ा सा सब्जी भाजी लेने के लिए। पहले तो मुझे लेना था आलू, ये रोहित का आलू वेट हो रहा है, उसके बाद टर्न आएगा मेरे आलू का। चुन्नू अदरक, इधर चुन्नू चुन्नू अदरक दिए, इधर चुन्नू चुन्नू। तब चलते हैं आगे, क्योंकि मुझे प्याज लेना, यहाँ पे प्याज अच्छा दिख नहीं रहा था, मुझे चाहिए अच्छा अच्छा प्याज, क्योंकि मैं एक ही बार में स्टॉक लेके घर पे रख लेती हूँ। ये है पूरा कोकर बाजार, कोकर बाजार नहीं, लालपुर बाजार, जो कि नया खुल चुका है। रोहित यहाँ छाट रहा है प्याज अपने लिए और मेरे लिए, दो दो टोकरी लेके वहाँ पे। बरसात आता है कि नहीं, सब्जी का रेट आसमान छूने लगता है। और हाँ आप लोग ये मत कहिएगा कि रोहित से काम करा रही है, क्योंकि रोहित वहाँ प्याज वो चुन रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में ऑलरेडी दो दो झोला है, इस वजह से मुझे नहीं बनेगा चुनने, तो रोहित चल वो प्याज ले रहा है। शॉपिंग वगैरह करके दिवाली का सारा मैं आ गई हूँ रूम, तो आई होप कि ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आज का ना मुझे सबसे अच्छा पार्ट ये लगा कि वो जो दिया वाली दीदी लोग हम लोग से पूछी कि यूट्यूब में फेसबुक में वीडियोस वगैरह कैसे डालते हैं, वो लोग हम लोग को वीडियोस बनाते हुए देखी, और वो लोग को भी इतना तो पता था कि हाँ सब चीज़ में अपलोड किया जाता है, वीडियोस डाला जाता है, लेकिन कैसे करना है क्या करना है वो नहीं पता था। तो हम लोग को ब्लॉगिंग करते हुए वो देख के पूछी, तो हम लोग ने उन लोग को बताया, रोहित ने सारा चीज़ उन लोगों को समझाया, वहाँ पर रुक के हम लोग सब हर एक चीज़ बताई, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे नोटिफिकेशन आएगा, कैसे वो जानेंगे अपने वीडियोस के बारे में कि क्या लोगों का रिस्पांस आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, ज्ञान जो बोला जाता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वही चीज़ है कि आप जितना लोगों को बताओगे, जितना जागरूक करोगे, उतना ही ज़्यादा आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। तो हम लोग जितने भी लोग पूछते हैं कभी भी सोशल मीडिया को लेके मेरे से, या फिर रोहित भी यहाँ पे है, तो रोहित तो बताता ही बताता है, मुझे जितना नॉलेज है अपने नॉलेज तक का मैं बताती हूँ, अगर मेरे से नहीं हो पाता है तो फिर मैं बोलती हूँ कि मैं बात करा दे रही हूँ रोहित से। तो वैसे करके हम लोग हमेशा ही जितने भी लोग हम लोग से पूछे हैं, हम लोग ऐसे उन लोग का हेल्प करते हैं, और इस लाइन पे हम लोग गाइड करते ही करते हैं। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है या जानना है, तो आप कमेंट में हम लोग को बता सकते हैं, हम लोग से जितना होगा अगर उस चीज़ का नॉलेज होगा तो ज़रूर हम लोग आप लोग को उसके बारे में बताएंगे। और आई होप कि ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग अभी दिवाली का सारा साफ सफाई और शॉपिंग वगैरह स्टार्ट हो चुका होगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, और एडवांस में हैप्पी दिवाली।